ऑल न्यू कर्व, जो कि आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुर्खियों में रही है ये कार। और कार्बन फाइबर है, हाँ ये पूरा इसका कार्बन फाइबर है, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है, जो कि बहुत i7 है ये, जो कि मेबैक के उस मतलब मेबैक का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट की है। ये कुछ ऐसी इसके दूर है, यहाँ पर बहुत सारे व्हील्स है कि व्हील्स में कैसे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो हिसाब है। ये देख रहे हो अब ये है F1 रेसिंग कार, आई थिंक उसका मॉडल है या असली है ये पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये असली कार है F1 रेसिंग कार, और इसके जो टायर है आप लोगों को बहुत क्यूरोसिटी होगी कि रियल F1 रेसिंग कार के टायर्स कैसे होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल स्मूथ, क्योंकि ना रोड पे एक वो कोई रोड पे केमिकल डाल जिससे ना टायर ग्रिप बना सके रोड के साथ अच्छे से, तो इसके ऐसे टायर होते हैं F1 कार के। तो ये इस गाड़ी को तो आप जानते होंगे, इस गाड़ी को कौन नहीं जानता, मैं तो जो बोलेगा मैं इसको नहीं जानता, वो बड़ा अजीब बंदा है। ये है वॉक्सवैगन की पोलो, शायद ये GT है जो कि मॉडिफाई की गई है, बट ये ना एक दिखाया जा रहा है कि अगर आप ये टायर यूज़ करते हो तो कैसी ये परफॉर्म करेगी ऑफ रोडिंग पे। जो मैंने आपको अभी सब कुछ दिखाया वो टायर्स का था, इन्फॉर्मेशन वगैरह टायर्स कैसे कैसे टायर्स यूज़ हो सकते हैं इन फ्यूचर वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं कार्स वाले सेक्शन में, जो कि नीचे है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। तो ये एंट्री फर्स्ट फ्लोर की, यहीं पर सारी कार्स वगैरह रखी हुई है, लैम्बो वगैरह, जिसके लिए मैं मेनली देखने आया हूँ। ये है किया की नई EV6, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लुक में आ रही है। इसका जो लुक है बहुत ज़बरदस्त है, इसमें आपको कितने परफेक्ट DRL मिल रहे हैं वो देखो आप। इसके जो आपको हैंडल्स मिल जाएंगे वो आपको जैसे आपको महिंद्रा वगैरह हैंडल्स मिलता है XUV में, इसके हैंडल्स सेम है, शायद ये ऐसे ही अनलॉक होते हैं सेम महिंद्रा की तरह। बाकी इसका इंटीरियर जो है, इसका इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है, जो कि थोड़ा थोड़ा मेरे को टाटा नेक्सन वाली फील भी दे रहा है, क्योंकि देखो इसमें आपको सिंगल मॉडर्न सेटअप मिलता है बिल्कुल सीमलेस। बाकी बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर इसका मिलता है, इसमें मल्टी ड्राइव मोड से इको स्पोर्ट और हाइपर मोड जो भी आप डाल सकते हो, जो कि स्पोर्ट्स मोड से ऊपर इसमें एक मोड आता है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें पैडल शिफ्टर्स होते हैं जो कि नई जनरेशन के किया ने डाले हैं, पैडल शिफ्टर बिल्कुल नई जनरेशन के। इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जो कि मैं आपको विजुअली कैसे बताऊँ, मेरे को बहुत अपीलिंग लग रहे हैं। इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे हैं, इसमें 8 एयरबैग्स हैं, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर मैं कुछ फीचर्स की आपको लिस्ट दिखाऊँ, उसके कुछ फीचर्स यहाँ भी लिखे आप पढ़ सकते हो, पॉज करके वीडियो को। 8 एयरबैग्स है इसके अंदर, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स है इसके अंदर, ABS है, एंटी लॉक ब्रेक्स है, इसमें बहुत कुछ है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल और भी चीज़ें। बाकी ये एक नई कॉन्सेप्ट कार है जो आपको बहुत हाई रेंज भी देती है, जो हाई रेंज देती है एज़ कम्पेयर टू किया कि बाकी इलेक्ट्रिक कार्स, जो इंडिया के नेक्स्ट ऑन से ज़्यादा रेंज है इसके अंदर, और ज़्यादा रेंज देगी आपको, ज़्यादा कम बैटरी में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। बाकी अगर मैं कुछ पीछे का लुक दिखाऊँ, उसके पीछे का लुक कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका पीछे का लुक बहुत अपीलिंग है, बहुत ज़्यादा, जब इंडियन रोड्स पे चलेगी तो ये एक अलग ही लुक देगी। इसके जो DRL पीछे के जो सीमलेस एक्सपीरियंस दे रहे हैं एक साथ। और बाकी मैं अगर थोड़ा कलर बताऊँ मैं आपको इसका, तो ये बिल्कुल मैट फिनिश दे रही है, मतलब ये सिल्वर है बट मैट में है। इसमें आपको ऊपर सनरूफ भी मिल जाती है जो कि ठीक ठाक बड़ी है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ है, ठीक ठाक बड़ी है, ज़्यादा पीछे तक नहीं है ये, मतलब फ्रंट डोर तक आती है सनरूफ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब ये वही EV6 है, बस ये वाइट में है, वो सिल्वर में थी। बाकी वाइट कलर इसका बहुत अमेजिंग लग रहा है, एक अलग ही लुक दे रहा है इसको, जो वाइट कलर है वाइब्रेंट और एक बिल्कुल अलग लुक दे रहा है। बाकी ये मूव करती हुई कितनी अच्छी लग रही है वो तो मुझे मैं बता सकता हूँ कि आप कैमरे में देख के नहीं बता सकते। बाकी आप देखो ये है किया की बिल्कुल नई सेल्टॉस, जो कि अभी सेल्टॉस जो अभी चल रही है उसकी नेक्स्ट जनरेशन वाली सेल्टॉस, जिसका नाम है सेल्टॉस X-Line, जो कि थोड़ी पिछली वाली सेल्टॉस से थोड़ी बड़ी है फ्रंट ग्रिल से, और थोड़ी अच्छी लग रही है। वैसे भी सेम ही लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ा अच्छी लुक दे रही है पिछली वाली से, थोड़ी हैवी लग रही है। बाकी अगर मैं इसकी इंटीरियर की बात करूँ, तो इंटीरियर में आपको वही पुराना वाला इंटीरियर मिल जाता है लगभग, बस में फ़र्क इतना है कि अब आपको सिंगल डिस्प्ले सेटअप मिल जाता है स्टीयरिंग के आगे भी और आपके स्टीरियो में भी, जो कि एक अलग चीज़ है नई इस वाली सेल्टॉस से। बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। ये किया की कैरेंस, जो कि
ब्लू कलर में अच्छी लग रही है, जो कि कुछ ऐसी है, जो कि कुछ ऐसा लुक दे रही है। बाकी ये करंट से मैं आपको दिखा देता हूँ साइड से कैसी है। इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इंटीरियर मिलेगा आपको इसके अंदर का नॉर्मल सा। बाकी ये कुछ ऐसी है। बाकी बैक से अगर मैं इसको बैक लुक दिखाऊँ तो वो पिछली बार की तरह सेम ही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें, बाकी ये सेम ही है। बाकी कुछ ऐसी है या किया कि नहीं केरन, केरन्स ऐसी है बाकी। तो किया का सेक्शन तो डन हो गया। किया की ये कुछ गाड़ी थी, कैरन, सोनेट और सोनेट एक्स, और जो सबसे अमेजिंग कार थी वो थी EV6, जो कि ये अभी यही कार यहाँ पर किया ने भी रखी हुई है यहाँ पर, ये नहीं कुछ कार्स किया थी। इसके बाद मुझे पता है आप लोग किस बात के लिए एक्साइटेड होंगे, आप लोग एक्साइटेड होंगे कि टाटा और महिंद्रा की कार्स कैसी है या फिर लैम्बोर्गिनी वगैरह। किया में इतना कौन इंटरेस्ट दिखाता है, मेरे को ये चीज़ पता है। बाकी ये किया की थी। अब जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है टाटा की कार्स। टाटा की कार्स में थोड़ा अलग है, थोड़ा इनोवेटिव कार्स निकाली उन्होंने, वो जो टाटा की जो इनोवेशन है वो थोड़ी अलग है, और मेरे को आपको वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ टाटा की कितनी इनोवेटिव कार्स, मैं टाटा के पास जा रहा हूँ। तो ये है टाटा का सेक्शन, यहाँ पर कुछ ऐसी कार, टाटा की कुछ ऐसी कार्स है जो कि बहुत अमेजिंग कार्स टाटा की, आप लोग देखकर शॉक हो जाओगे ऐसी कार्स टाटा की। बाकी कार्बन बड़ा अच्छा लग रहा है। टाटा की नई हैरियर ईवी, जो कि मतलब मैंने खुद यहाँ पहली बार देख रहा हूँ टाटा की नई हैरियर ईवी। ईवी में भी हैरियर आ सकती है तो बहुत अच्छी बात है। ये नई इनकी कॉन्सेप्ट है, लॉन्च होने वाली है, कब लॉन्च होगी पता नहीं। इसके फीचर्स कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो कुछ फीचर्स है पढ़ सकते हो इसके फीचर्स। कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगी हुई कुछ इसके अंदर, बहुत शार्प लाइंस है, और वो तो दिख ही रहा है यार, बहुत अमेजिंग। इसके जो डायमेंशन है वो बहुत अमेजिंग है। तो व्हील तो आप व्हील को तो पहचानते होंगे टाटा के, कुछ ऐसी फ्रंट में बहुत अमेजिंग लगा। ये टाटा के लुक का तो क्या ही कहना, बहुत ज़बरदस्त लुक है टाटा का। और आप इसको देखो भाई, क्या गाड़ी है, मतलब ये बहुत अमेजिंग लग रही है। मैं जो उसको रियल आई से देख सकता हूँ ना, कैमरे में उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, बट रियलिटी में इतनी ज़बरदस्त लग रही है। इसकी बैक लाइट बहुत ज़बरदस्त बैक लाइट है इसकी, जो ये इसके जो लाइट डीआरएल है ना बैक की, ये इसको एक अग्रेसिव लुक दे रहा है, बहुत अच्छी लग रही है ये। ये है कि इसके एक अमेजिंग चीज़ बताऊँ, एक इसका ऐसा फीचर है जो कि अभी इंडिया में किसी इलेक्ट्रिक कार में नहीं आया है, वो फीचर है भाई ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। मतलब आप इसको ऑल व्हील और फोर व्हील ड्राइव में ये डिफरेंस होता है कि फोर व्हील ड्राइव में आप चेंज कर सकते हो मोड कि आप रियर व्हील में चलाना है, आपको फ्रंट व्हील से गाड़ी चलानी है, बट ऑल व्हील ड्राइव में ऑल व्हील से ही गाड़ी चलती है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी, जो कि इसकी बहुत एक्साइटिंग फीचर है इस गाड़ी का। और बाकी बहुत जिसको फ्रंट का लोगो है, ये ग्लोइंग लोगो है, तो अच्छा लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये है ऑल न्यू टाटा की पंच, यानी कि पंच है तो कितने लोग फैमिलियर होंगे, पंच तो बहुत बिक्री थी यार, मेरे घर के बाद ही बहुत सारी पंच है, पर जो ये पंच है ये इलेक्ट्रिक पंच है, जो कि पहली इलेक्ट्रिक पंच है। और ये तो नॉर्मल पंच ही यार, ये बहुत अच्छी लग रही है, ये कुछ ऐसी दिखती है ये पंच। इसमें आप सामने इसको चार्ज कर सकते हो। बाकी इसके अलॉय व्हील्स तो सेम है, उसकी तरह सेम ही है, मतलब सारे टाटा की सेम ही होते। इसमें बैक में आपको ग्लास के साइड में हैंडल मिलता है, यहाँ पर देखो ग्लास के साइड में इसको हैंडल मिलता है। फ्रंट में आपको नॉर्मल हैंडल मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल हैंडल है इसका। सर बेसिकली इसको अलग जो बनाते हैं, बेसिकली ये एक्चुअली ऐसी कार है जो कि प्योरली ईवी आर्किटेक्चर, ये ईवी आर्किटेक्चर हमारा क्या है, पहले क्या था जो पिछली जनरेशन थी, आईसी इंजन को रिमूव करके बैटरी और मोटर लगाई जाती है, पर हम क्या लेके आए हैं, पूरा प्लेटफॉर्म ही ईवी बेस्ड है। इसमें क्या हुआ, हमारी जो है हमारी क्लियरेंस बढ़ गई, बेटर सेफ्टी, वाटर प्रूफ होगी हमारी गाड़ी, और सर हमारी स्पेस अभी अवेलेबल होगी, जैसे आपने अभी देखा आगे फ्रंट हमने देखी कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, तो कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे बेसिकली। बैक किसी स्पेस है, पीछे 14 लीटर आगे, तो सर सनरूफ है, वेंटिलेटर ठीक दी गई है, और सर क्रूज कंट्रोल है, बाकी सर फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है। मीडियम रेंज दो वर्जन है इसके, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। मीडियम रेंज हमारा 315 किलोमीटर आता है, और लॉन्ग रेंज 421 किलोमीटर रेंज। अब मैं आपको एक कार दिखाता हूँ टाटा की, बिल्कुल ऑल न्यू कर्व, जो कि आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुर्खियों में रही है ये कार, और कि बहुत ज़बरदस्त कार है, इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत अमेजिंग है, सामने से बिल्कुल ये अग्रेसिव लुक दे रही है एकदम। और भाई मन तो कर रहा है इसे नज़र ही ना हटाऊँ, इतनी ज़बरदस्त है इसका लुक यार। मतलब इसका मेन लुक तो इसका बैक का है, जो कि शायद थोड़ी थोड़ी आपको टाटा की टिगोर आदि की उसकी याद दिलाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वैसी है साइड से अगर देखा जाओ, पर उसका हायर थोड़ी उसकी हायर या फ्यूचरिस्टिक वर्जन समझ लो आप,
भाई इतनी ज़बरदस्त है ये गाड़ी यार, मतलब बस इतना रह गया था कि टाटा की जगह यहाँ पर BMW या ऑडी का लोगो लग जाता तो गाड़ी पूरी 50-60-80-1 crore रुपये बिकने वाली गाड़ी बन जाती। भाई ये गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है, मैं क्या बताऊँ इसके फीचर, ये फीचर से गाड़ी लोडेड है। इसमें कितने फीचर्स है भाई वो मैं आपको भी बताऊंगा, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। आप मुझे कुछ इसके अमेजिंग फीचर बता सकते हो? गाड़ी तो बहुत ज़्यादा दिखने में बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, तो मैं आपको खुद बता सकता हूँ अब क्या अमेजिंग फीचर इसको टाटा दे रही है। दिस इज बेसिकली टाटाज कंसेप्ट कार Curve. So basically it's coming with a 1.5 liter serial engine which is completely designed for this project, and as a team we are bringing a newer dimension to the like car diversity because we are adding a Salute feature at the back which makes it a coupe which is not present in the market yet, and we are giving a panoramic sunroof. The engine is like quite like efficient, so it's creating a more optimal outcome, and it's coming with many more features as certain about the like it's giving a good boot space as well, 422 liters due to its Salute feature, and like adding to it we can give more specifications to it, but the market is yet to go into production and will be coming to the market soon. सुर्खियों में तो बहुत है गाड़ी आजकल, मतलब बहुत सुनते हैं उस गाड़ी के बारे में। डिज़ाइन इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अलग डिज़ाइन है इसका। So basically we are not specifying like technical specs about the car yet, as the concept is in the car, so as the like more upgradations will be made to the car, the specs will be released soon in the market. Amazing, बहुत amazing car है। Thank you. ये इसके petrol engine है, इसके अंदर petrol diesel engine है, electric नहीं है। भाई मैं खुद देखकर मैं खुद धोखा खा गया कि ये petrol car है या फिर ये electric car है, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो आप बाइक देख रहे हो ये है हीरो की नई करिश्मा, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। कुछ ऐसी है ये, अगर मैं आपको इसका लुक दिखाऊं, प्रॉपर लुक दिखाऊं, कुछ ऐसी है थोड़ी, ये इसका ये स्पेशल एडिशन है इस करिश्मा का, थोड़ा इसको मॉडिफाई किया गया है। बाकी में साइलेंसर बहुत अच्छा आता है, तो वो साइलेंसर देखो, ये इसका कस्टम साइलेंसर है जो कि बहुत अच्छी आवाज़ निकालता है। तो ये कुछ ऐसी बाइक है, बाइक के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उस वजह से बता नहीं सकता, कुछ ऐसी है। बाइक का नाम है रोनिन, जो कि बहुत इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया और बहुत अच्छी लग रही है। ये एक कस्टम बाइक है, थोड़ी मॉडिफाई की है और थोड़ा स्पेशल मॉडल भी है, जो कि TVS दे रहा है आपको। TVS की बाइक तो बड़ी अच्छी होती है, बट थोड़ी बुलेट जैसी लग रही है, मेरे को पता है, पर अभी तो बुलेट ही फेवरेट है। बाकी टायर्स कुछ ऐसे हैवी टायर जिसके बहुत ज़्यादा फीचर्स के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर बहुत अच्छी लग रही है ये। अगर मार्केट में आएगी तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा इसको, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है ये। कुछ ऐसी है इसका साइज, जो इसका साइलेंसर जैसे जा रहा है ना, वो बहुत अमेजिंग लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी नॉर्मल बाइक में ऐसा साइलेंसर, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। ये है TVS की रेसिंग अपाचे, जो कि बहुत अच्छी लग रही है यार। पता नहीं ये मिलती है नॉर्मल शॉप्स पे, नहीं मिलता, नहीं मिलती, बट आपको लेनी पड़ती है शायद। बढ़िया रेसिंग अपाचे, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है, जो कि दुनिया शोकेस पे रखी हुई है। शायद ये पूरा इसका जो है कार्बन फाइबर है, हाँ ये पूरा इसका कार्बन फाइबर है, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है, जो कि बहुत। तो कुछ ऐसी है ये बाइक, अगर आपको उसका इंटीरियर देखा तो कुछ ऐसा है। इसका ओडोमीटर, जो कि डिजिटल ओडोमीटर है इसका, बहुत अच्छी लग रही है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है, क्योंकि रेसिंग बाइक है तो ऑब्वियसली स्पीड तो इसमें बहुत होगी, तो ग्राउंड क्लियरेंस कम ही होती है रेसिंग बाइक्स में। ये मेरे को नहीं पता कौन सी स्कूटी है TVS की, पर जो भी है मुझे लगता है एंटॉर्क का ही कौन मॉडल होगा। जैसे TVS एक्स नाम है कुछ इसका, ये तो बड़ी अलग स्कूटी है यार, कुछ अलग ही डिज़ाइन है इसका। ये देखो आप, इसका स्क्रीन कितनी बड़ी है यार, आई थिंक ये पूरा टच स्क्रीन है इसका। हाँ ये पूरा टच स्क्रीन है इसका, और इसमें आप गाने वाने सब चला सकते हो यार। बट फ्रंट से कुछ ऐसी है, तो ये ट्रांसफार्मर सा लुक दे रही है, कुछ कुछ बाइक सा भी लुक दे रही है, पर अच्छी लग रही है। शायद ये मार्केट में अवेलेबल है पता नहीं, पर बहुत अच्छी लग रही है। कुछ ये था कुछ बाइक्स का सेक्शन, बाइक्स और कार्स का सेक्शन, जो कि नई नई इनोवेशंस की है कंपनी ने, या कुछ प्रोटोटाइप है, या कोई जो कार लॉन्च की है नई नई, तो बहुत सारी कार्स थी। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे को इन कार्स में टाटा की कर्व बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसका डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त था। वो मेरे को थोड़ी अलग कार लगी यार, थोड़ी उसमें अलग लैंग्वेज, डिज़ाइन लैंग्वेज अलग था उसका, बहुत ज़बरदस्त लगी। अंदर एक और कार थी टिगोर CNG, टियागो CNG, इसमें पहली बार टाटा ने उसके अंदर टर्बो प्लस CNG इंजन दिया, जो कि एक इनोवेटिव सी बात है। तो मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ से,
मैं जा रहा हूँ हॉल वन में, जो कि हॉल वन जाना है, वहाँ पर कुछ सुपर कार्स वगैरह, जी वैगन, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी वगैरह। लेट भी हो गया था, शाम भी हो गया, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल डलवाना पड़ा स्कूटी में, तो इस वजह से नहीं प्रॉब्लम होगी, आ नहीं पाए जल्दी से। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पर असली हीरे रखे हुए हैं, मतलब कि गाड़ियों के हीरे। ये है मिनी कूपर और BMW का एक मीम आती है ना कि ग्रिल कितना बड़ा करेंगे, कि भाई बहुत बड़ी ग्रिल हो जाएगी, तो ये तो अपना ग्रिल बड़ा करते ही जा रहे हैं। बाकी ये BMW i7 है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है BMW की। ये भी BMW i4 और मिनी कूपर थ्री डोर वाली मिनी कूपर है, पता नहीं क्या है। तो ये है यहाँ पर BMW और तीन चार BMWs और रखी हुई हैं। ये वाइट कलर की BMW, रेड कलर की BMW। ये है iX1 और वो है iX, जो कि बहुत अच्छी लग रही है यार। ये XUV है, शायद SUV है BMW की, वो भी BMW की SUV है। ये Maybach टाइप थोड़ी गाड़ी है, रोल्स रॉयस Maybach। और उसके ये है मिनी कूपर, जो कि ऑलवेज ये तो फ्लैग, किसी के फ्लैग की तरह लग रहा है मेरे को। मेरे को ना हमेशा ये ना इंग्लैंड के फ्लैग की तरह लगता है, शायद इसलिए इंग्लैंड के फ्लैग ही। बाकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अगर मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊं, इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, उसका डोर एक चीज़ दिखाऊंगा, इसका डोर आप हल्के से ओपन करोगे ऑटोमेटिकली खुल जाता है, देखो ऑटोमेटिकली, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। बाकी इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है, इसके अंदर आपको गियर बॉक्स कैसा मिलता है, फ्यूल सिस्टम, ये सब, ये ऐसी स्टीयरिंग मिलती है आपको इसके अंदर, और कुछ दो हैंडल्स इसके ऐसे, स्पीकर्स ऐसे और कंट्रोल्स वगैरह ऐसे। बाकी इसके मिरर्स जो है वो तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, सनरूफ पूरी है इसकी। सीट्स बड़ी अच्छी, सीट्स की जो फीलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है इसकी, वो अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। इसे करते हैं बंद, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और उसका बूट स्पेस भी इसका ठीक अच्छा खासा ही है, बाकी बहुत अच्छी लग रही है। ये है BMW की i7 है ये, जो कि Maybach के उस, मतलब Maybach का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट की है। ये कुछ ऐसी है, इसके डोर हैंडल बड़े, ओ माई गॉड, आपने आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, कैसे बंद होती है। इसके डोर हैंडल बड़े यूनिक है, मैं कैसे बताऊँ कितने यूनिक डोर हैंडल थे इसके। देखो इसको ऐसे हाथ डाला, बस मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक डोर हैंडल है इसका, और प्रीमियम फील तो है ही। आप क्या लुक दे रहा है इसके इंटीरियर, पहले मैं कोई चीज़ दिखाऊँ, ये देख रहे हो आप, ये पूरा ग्लो कर गया जब मैंने इसका दरवाज़ा खोला, और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका सारा जो कंट्रोल होता है मसाज कंट्रोल से, बाकी भाई डायमंड लग रहा है, पर डायमंड है नहीं, कुछ ऐसे कंट्रोल्स है इसके। लेदर है पूरा, ये लेदर बहुत अच्छा प्रीमियम फील दे रहा है। सीट्स भी इसकी लेदर की है, और अंदर कुछ ऐसा आपको ऐसा लुक मिलता है जहाँ पर आपके स्क्रीन जो है ना, आपको सिंगल स्क्रीन सेटअप मिलता है स्टीरियो में भी, और आपके ऑडोमीटर में भी, जो कि आप कंट्रोल चेंज कर सकते हो अपर कार प्ले वगैरह वगैरह से। बाकी कंट्रोल कुछ ऐसे है इसके, ऐसे ऑफ करेंगे तो ऐसे पूरा ग्लो करता है, पूरा का पूरा ग्लो करता है। बाकी इसकी फील बहुत अमेजिंग है, पता नहीं यार, मुझे नहीं कहा खरीदेगी नहीं, पर दिखाना ज़रूर बनता है। बाकी इसमें एक अमेजिंग चीज़ मिलती है आपको, पीछे आपको एक स्क्रीन सेटअप मिलता है, जबकि ये स्क्रीन है पूरी, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो पूरी गाड़ी को, मतलब पूरी गाड़ी को सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अंदर से कुछ ऐसा है, अगर मैं इसके अंदर आपको बैठ के दिखाऊँ, तो उसकी लेग स्पेस है वो बड़ी प्रॉपर लेग स्पेस है भाई, इतनी आपको लेग स्पेस मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखी नॉर्मल कार में, तो इसकी लेग स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। और फ्रंट में आपको इतनी बड़ी टीवी स्क्रीन मिलती है, जो कि आप शायद बंद कर सकते हो, हाँ ये बंद कर सकते हो, बंद नहीं कर रहा मैं अभी, तो प्रॉपर ये टीवी स्क्रीन है इसके अंदर। और ये आपको यहाँ पर ग्लास होल्डर्स और चार्जिंग पैड भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आप ग्लास वगैरह रख सकते हो, जो आपकी जो भी मर्जी है आपकी। बाकी इसमें आपको फ्रिज भी मिल जाएगा प्रॉपर, ये फ्रिज है, इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो, ग्लासेस वगैरह, बॉटल्स, जो भी आपको रखना हो, मतलब आप कौन सा खरीदने वाले हो, ये वायरलेस चार्जिंग पैड। और बाकी यहाँ पर टीवी मिल जाएगा आपको, ये सामने आप एसी कंट्रोल्स, जिसमें आप इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो अपनी गाड़ी का, हर अपना चाहे तो आप जैसा चाहो वैसा कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ऊपर कुछ ही सनरूफ मिलेगी आपको इसमें, जो कि आप सनरूफ आप यहाँ से शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, आगे से कंट्रोल कर सकते हो, और ये लाइट्स वगैरह भी मिल जाएगी आपको। वैगन जो कि बहुत सारे लोगों की पसंद है, और जी वैगन का जो लुक है बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें ग्रिल में थोड़ा चेंज किया गया है। बाकी ये गाड़ी कुछ ऐसी है जो कि बहुत ज़बरदस्त लुक दे रही है भाई, देखो रियलिटी में पहली बार मैं जी वैगन देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छी है जी वैगन। बैक से कुछ उसका लुक कुछ ऐसा है, बैक से लुक बहुत ज़बरदस्त है।